हाय हेलो नमस्कार, मुझ जसंत आपको स्वागत करुच्ची बिंग नेशनल को। तो पुणी गोटे सुंदर इंटरेस्टिंग क्लास भिडियो आपको वेलकम करुच्ची। आउ हाँ, आज आम भिडियो कौन कथा ना गायनाकोलोजी नर्सिंग जोटा कि आम प्रेगनेंसी रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट आप आज क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कसन करवा। तो भिडियो को लास्ट जाए देखते बिना स्किप कर। आउ हाँ, जब आपको भिडियो भल लगे ना भिडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, आपको सांग सहित आप सब ग्रुप भिडियो को सेयार करूँ। आउ आम ये भाव बहुत गुड़े क्लास डिस्कसन कर सारे, जदि आपने देखी ना से सब कुछ जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी जाकर सबको देखिपारे ना चैनल को मध्य जाकर विजिट करेंगे। आउ हाँ, सब भिडियो भाई आम आपको ये भिडियो में दुईट क्वेश्चन पचारूँ जोटा कि छः नंबर आप गोटे रोज इमेज बेस्ड क्वेश्चन देन आठ नंबर आप गोटे नर्सिंग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रोक। ठीक अच्छे, जदि आपको तार राइट आंसर जना अच्छे छः नंबर और आठ नंबर क्वेश्चन तो राइट आंसर सांगे सांगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। आम आपको कमेंटर अपेक्षा रखु, आपको कमेंटर निश्चिंत रिप्लाय देव। जदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना ए जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ और बेल आइकन को ऑल रखु यही इंटरेस्टिंग वीडियो आग प्रथम देखापे। आउ हाँ, यहाँ हूँ आम फोनपे और पेटीएम नंबर। जब आपको भिडियो टिके भी लगी टी भी इनफर्मेटिव लगी और मो हार्ड वर्क को आपने सपोर्ट करने चाहते देन आपड़ी आपंकर जितकी भी अमाउंट 100-200-300 जहाँ भी है आपने पेमेंट करेंगे। आउ हाँ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो देखिए पेमेंट करते बहुत बहुत धन्यवाद, एमती आमको सपोर्ट करता आम आपको यही भाव इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड करूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट कथा, जब आपने किसी भी अमाउंट पे कर 100-200-300 जहाँ भी है देन तार स्क्रीनशॉट आम यही नंबर में आमको व्हाट्सअप पठातु देन आम आपको गोटे यूनिक ग्रुप आड करदेबू। से ग्रुप में आम ओट पॉलिसी रिलेटेड किसी टीप्स आउ कि क्वेश्चन आंसर पीडीएफ आम प्रोवाइड करूँ। तो ठीक अच्छे, जदि आपने पेमेंट करते निश्चिंत यही नंबर में आपने तार स्क्रीनशॉट आमको जल्दी जल्दी शेयर कर दिखाँ। ठीक अच्छे, आउट कथा जब आम व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं जाकर तेल डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छे जाकर से जल्दी जल्दी जॉइन आम से किसी भी अपडेट किसी भी नुआ भिडियो छाड़ू आपने सर्वप्रथम जापारे सर्वप्रथम पारे। तो ठीक अच्छे, आसतु आज इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे, आज इंटरेस्टिंग क्लास को स्टार्ट करने पूर्व मुझको पूर्व भिडियो जो दुईट क्वेश्चन पचारी तार राइट आंसर आपको रखुच्छे। तो देखो फास्ट क्वेश्चन कौन थी ना आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट सोन इन द फोटोग्राफ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट देता फोटोग्राफ्रे आपको यहाँ कौन बोली चिन्हार था। तो बहुत पिला भावी राइट आंसर देते 99% पिला राइट आंसर देते कि पिला क्वचित पिला आम टी कन्फ्यूज होती जो मैंने कि रंग आंसर देते। तो जमा भी कन्फ्यूज हूँ ना एवं मन रखुद जमी आपने जमा भी लाइफ सारा भूलेंगे। ठीक अच्छे, तो देखो फास्ट देता ऑप्शन देता कौन ना रिसेप्टेटर ना नेबुलाइजर मेसीन ना ऑक्सीजन मेसीन ना सक्शन मेसीन। ठीक अच्छे, तो भल से इमेज टी देखो ये इमेज टी कौन जोटा कि आम राइट आंसर कौन हम दैट इज ऑप्शन बी दैट इज नेबुलाइजर मेसीन। तो यहाँ कौन दैट इज आम गोटे नेबुलाइजर मेसीन आपने हस्पिटाल सेक्टर में निश्चिंत देखते हैं। तो यहाँ हूँ आम नेबुलाइजर मेसीन। तो आर काम कौन आपको मुझे रखुच्छी देखूँ। तो कौन कहला ना ये नेबुलाइजर इज ए स्मॉल मेसीन दैट टर्न्स लिक्विड मेडिसीन इनटू ए मिस्ट यू सीट विथ द मेसीन एंड ब्रीथ इन थ्रो ए कनेक्टेड माउथपीस मेडिसीन गोज इनटू योर लंग्स आज यू टेक स्लो डीप ब्रीथ फॉर 10-15 मिनट्स इट इज रिलेटिवली इजी टू ब्रीथ द मेडिसीन इनटू योर लंग्स दिस वे। तो कौन कहला देखो ना ये नेबुलाइजर इज ए स्मॉल मेसीन दैट टर्न्स लिक्विड मेडिसीन इनटू ए मिस्ट। तो कौन कहला ना आम गोटे नेबुलाइजर गोटे मेसीन कौन ना जो मेसीन में कौन हुए ना लिक्विड मेडिसीन किसी आम लिक्विड मेडिसीन को जोटा कि आम कनभर्ट होते कौट कि मिस्ट की मिस्ट कहे कौन जो आम गोटे कुहुड़ी टाइप रोटा कि आम गोटे बांफ टाइप रुआ टाइप रोमर गोटे मिस्ट को परिणत होता है जहाँ को आम इनहेल करूँ आम निश्वास नौ जोटा कि आम लंग्स पहुँचे आम किसी डिजिज को किसी कंडीशन को सी क्योर करता है रिलीफ करेंगे। तो बुझीपारे आप नेबुलाइजर मेसीन कौन करे दैट इज आम गोटे कनभर्ट करे गोटे लिक्विड मेडिसिन को कनभर्ट करे मिस्ट रे। तो ठीक अच्छे, तो आपको मुझे इमेज टी देखे दूसरी आम कौ भाव गोटे पेसेंट रे आमर नेबुलाइजर मेसीन नेबुलाइजर मास्क से लगी थाए। तो देखो इमेज टी आम जो भाया ऑक्सीजन मास्क टी जो भाई से भाई लगी थाए कि आम ये टी अलग थाए जोटी आम मेडिसीन पड़े देन आम मेडिसीन मेसीन अन् हुए देन आम गोटे बांफ भाया धूआ भाया आमको लगे देन आम ब्रीथ नौ देन आम किसी भी कंडीशन रहा आम से क्योर होता है। ठीक अच्छे, तो भाव आप निश्चिंत बुझीपारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट देखो 9 नंबर क्वेश्चन द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज जॉइंट टू द रेक्टम इज कॉल्ड। ठीक अच्छे, तो आम जो लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट पार्ट आम जो कनेक्टेड होती रेक्टम सहित आम कौन बोली कही था। तो भावुच्ची यार राइट आंसर 100% पिला निश्चिंत राइट देते। ठीक अच्छे, तो यही भाव निश्चिंत आपने कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करूँ देन आप नॉलेज भी बढ़ो। ठीक अच्छे, तो देखी नियंतु ऑप्शन कौन थी ना असेंडिंग कोलन रे ना डिसेंडिंग कोलन ना ट्रांसवर्स कोलन ना सिग्मॉइड कोलन। ठीक अच्छे, तो आम रेक्टम सहित आम जो रहा लार्ज इंटेस्टाइन कौ पार्टी आम लगी थाए। ठीक अच्छे, तो देखो आपको मुझे कही राइट आंसर दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज सिग्मॉइड कोलन। ठीक अच्छे, भावुच्ची 100% पिला राइट आंसर देते। ठीक अच्छे, तो यहाँ हूँ कौन दैट इज आम सिग्मॉइड कोलन जोटा कि कौन करे आम लार्ज इंटेस्टाइन गोटे पार्ट जोटा कि आम रेक्टम सहित कनेक्टेड थाए। ठीक अच्छे, तो आपको मुझे देखे दूसरी तार एक्सप्लेनेशन में देखो। तो कौन कहला ना तो सिग्मॉइड कोलन
इज द लास्ट पार्ट ऑफ द कोलन एंड कनेक्टेड टू द रेक्टम। कौन कहला ना आम सेगमेंट कोलन हो कोलन लास्ट पार्ट जोटा कि कौन कहला ना आम रेक्टम को कनेक्टेड थाए। ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चिंत बुझीपारे आपको इमेज टी देखे देखो आमर जो रहा आम लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट्स देखो आमर एटा रहा कौन दैट इज आसेंडिंग कोलन जोटा कि आमर एटा रहा आसेंडिंग कोलन आपचिंत देखो इमेज में देन देखो ये रहा कौन दैट इज आम ट्रांसवर्स कोलन। ठीक अच्छे देन देखो ये रहा डिसेंडिंग कोलन जोटा आम तौक आसी देन देखो ये रहा कौन दैट इज आम एवं ये पार्ट रहा दैट इज सिग्मॉइड कोलन देन ये रहा आम दैट इज रेक्टम। ठीक अच्छे तो रेक्टम सांगे किए कनेक्टेड है दैट इज आम सिग्मॉइड कोलन। तो आपने इमेज को निश्चिंत मन रखुद आउ हाँ जब मन रोनी सांगे सांगे लिखिकी रखुद। ठीक अच्छे तो आम रेक्टम सहित किए कनेक्टेड है दैट इज आम सिग्मॉइड कोलन। तो ठीक अच्छे तो भाई आप निश्चिंत आंसर पाई तो आज इंटरेस्टिंग क्लास को आसतु स्टार्ट करवा। तो देखो आज क्लास फर्स्ट क्वेश्चन आप कौन अच्छी आम प्रेगनेंसी गायनेकोलॉजी रिलेटेड। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना अकुमुलेशन ऑफ पस इन द फालोपियन ट्यूब इज नोन आज कौन कहला ना आम फालोपियन ट्यूब जो आकुमुलेसन हो पस जो आकुमुलेसन होने कौन बोली। ठीक अच्छे देखो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन ऑप्शन ए सल्फिंजाइटिस कहवा ना हाइड्रो सल्फिंग्स कहवा ना पायो सल्फिंग्स कहवा ना हाइड्रो ओपिनेक्स कहवा जदि आपको राइट आंसर जाना था सांगे सांगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। आउ हाँ कह रखे ये गोटे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन जमा भी तरबर होकर आंसर दिंत ना ये चार्ट ऑप्शन भितर निश्चिंत भलसे देखो देन जाकर राइट आंसर कमेंट्रे कमेंट कर दिंतु। ठीक अच्छे तो आकुमुलेसन ऑफ पस इन द फालोपियन ट्यूब इज नोन आज कौन देखो आप कन्फ्यूज आसो कि सल्फिंजाइटिस हम कि तो सल्फिंजाइटिस कौन दैट इज इनफेक्शन ऑफ फालोपियन ट्यूब इज नोन आज सल्फिंजाइटिस। ठीक अच्छे तो आम जो इनफेक्शन होगी फालोपियन ट्यूब ताको आम कह कौन दैट इज सल्फिंजाइटिस किंतु एटी कौन देजे दैट इज पस इन द फालोपियन ट्यूब इज नोन आज। ठीक अच्छे तो पस इन द फालोपियन ट्यूब इज नोन आज कौन दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज पायो सल्फिनिक्स। ठीक अच्छे तो पायो मीन्स कौन आप जानते हैं पस तो पायो सल्फिनिक्स कौन दैट इज पस इन द फालोपियन ट्यूब देखो सल्फिंजाइटिस आमर पायो सल्फिंग्स हम सल्फिंजाइटिस हेले ही आम पायो सल्फिंग्स हम किंतु पस इन द फालोपियन ट्यूब इज नोन आज पायो सल्फिनिक्स। ठीक अच्छे तो जमा भी कन्फ्यूज होनी सल्फिंजाइटिस होती है इनफेक्शन ऑफ द फालोपियन ट्यूब देन पायो सल्फिनिक्स होती कौन दैट इज पस अकुमुलेशन इन द फालोपियन ट्यूब। ठीक अच्छे तो आपको देखे दूसरी एक्सप्लेनेशन देखो कौन कहला ना पायो सल्फिंग्स और ट्यूबल आब्सेस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फालोपियन ट्यूब रिजल्टिंग इन पस अकुमुलेशन व्हिच कॉमनली रिजल्ट्स फ्रॉम द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट। तो कौन कहला ना आम पायो सल्फिनिक्स कौन दैट इज आम गोटे ऑब्स्ट्रक्शन जोटा कि फालोपियन ट्यूब रे हुए तो कौन करे ना जोटा कि रिजल्टिंग इन पस अकुमुलेशन जोटा कि आम कौन ना पस अकुमुलेशन पई हेता है। ठीक अच्छे तो भाव जब निश्चिंत बुझीपारे तो आम जो फालोपियन ट्यूब पस अकुमुलेशन हो आम कौन बोली कही दैट इज पायो सल्फिनिक्स। ठीक अच्छे तो देखी नियंतु आपको इमेज में देखिए दूसरी देखो आम यही भाव पस अकुमुलेशन हो जाए कौटी दैट इज आम फालोपियन ट्यूब। ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चिंत बुझीपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो आप कौन अच्छी ना टॉर्च जोटा कि आम TORCH इंडिकेट्स। ठीक अच्छे तो देखो भलसे TORCH कौन इंडिकेट कै देखो टॉक्सोप्लाज्म रुबेला कैंडिडा एंड हर्पेस सिंप्लेक्स ना आम टॉक्सोप्लाज्मा रुबेला साइटोमेगालो भाइरस एंड हर्पेस सिंप्लेक्स ना टिटानस रुबेला साइटोमेगालो भाइरस एंड हर्पेस सिंप्लेक्स ना टिटानस राबिज CMV जोटा कि रहा साइटोमेगालो भाइरस एंड हर्पेस सिंप्लेक्स। ठीक अच्छे तो आपको ये मेनली कहार कौन अच्छी ना आम टॉर्च TORCH कहले आमर क्या इंडिकेट कराए। ठीक अच्छे तो देखा केत पिला रईट आंसर जाना एटा भी गोटे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन देखा केते पिला रईट आंसर दौरान जदि आपको जुड़ा था सांगे सांगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु। तो देखो आमर टॉर्च कहले कौन आम TORCH फुल फॉर्म कौन जब आपको जाना थोड़ा आप निश्चिंत कहपारे तो फुल फॉर्म कौन दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज आम टॉक्सोप्लाज्मा रुबेला साइटोमेगालो भाइरस हर्पेस सिंप्लेक्स भाइरस। ठीक अच्छे तो आपको मुझे देखे दूसरी तार एक्सप्लेनेशन आपने निश्चिंत बुझीपारे तो देखी नियंतु एक्सप्लेनेशन कौन दे तो देखो आपको एक्सप्लेनेशन कह रखुच्छे ए टॉर्च इन्फेक्शन अल्सो नोन आज टॉर्च सिंड्रोम इज एन इन्फेक्शन ऑफ द डेवलपिंग फिटस और न्यूबॉर्न दैट कैन अकर इन यूटेरो ड्यूरिंग डेलीवरी और आफ्टर बर्थ इट कैन बी कॉज्ड बाय एनी वन ऑफ ए ग्रुप ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स इंडिकेट इन द आक्रोनिम टॉर्च। तो देखो इंटरेस्टिंग कौन कहला ना आम जो TORCH टॉर्च इन्फेक्शन रहा सी कौन करे ना न्यूबॉर्न मानक जितेबाला आम प्रेगनेंसी टाइम रे मदर रु फिटस को आम जो टॉर्च द्वारा कौन हुए जो इन्फेक्शियस एजेंट रही जो इन्फेक्शन आम कौन हुए ना मदर रु फिटस को ट्रांसफर हो जाए। तो ठीक अच्छे तो किसी केस ट्रांसफर हो जाए
ଯେଉଁଟା କି କେଉଁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହୁଏ ନା, ଡ୍ୟୁରିଂ ଆମର ଯେତେବେଳେ ୟୁଟେରସ୍ରେ ବେବି ଥାଏ, ଡ୍ୟୁରିଂ ଡେଲିଭରି ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମେନଲି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଟର୍ଚ୍ଚରେ କେଉଁ କେଉଁ ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଟକ୍ସୋପ୍ଲାଜମ୍ ଗଣ୍ଡି ରହିଲା, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଆମର ଅଦର ଏଜେଣ୍ଟସ୍ରେ କ'ଣ ନା, ଟ୍ରିପୋନୋମା ପାଲାଡିୟମ୍, ଦେନ୍ VZV ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆମର ଭ୍ୟାରିସେଲା ଜୋଷ୍ଟର ଭାଇରସ୍, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍ଭୋ ଭାଇରସ୍ B19 ଆଣ୍ଡ HIV, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ରୁବେଲା, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇଟୋମେଗାଲୋ ଭାଇରସ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ରେ କ'ଣ ରହିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ହର୍ପେସ୍ ସିମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭାଇରସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବେ TORCH ତ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ, ବା ଆମର ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ଆମର ଇନଫେକ୍ସିୟସ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆପଣ ମନେ ରହୁନି ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ମେନଲି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଟୁ ଫିଟସ୍ ଥ୍ରୋ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା, କ'ଣ କହିଲା ଆମର ମଦର୍ରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଫିଟସ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଥ୍ରୋ ପ୍ଲାସେଣ୍ଟା ଦେଇକିରି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମେ କ୍ୟାଚ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ୟାସିଂ ଥ୍ରୋ ବାଥ୍ କାନାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ପିଲା ଡେଲିଭରି ହେଉଛି କି ୟୁଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛି କି ଆଫ୍ଟର ବାର୍ଥ, ଆମର ଏଇ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସବୁ ପିଲାକୁ ଯାଇପାରେ। ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଲା ନା, ମଦର୍ କ୍ୟାନ୍ ପାସ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଟୁ ଇନଫ୍ୟାନ୍ ଥ୍ରୋ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍, ମେ ବି ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭାବୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସବୁ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଥିବ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଆଜ୍ ପର୍ WHO ଯେଉଁଟାକି ରହିଲା ଆମର ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଏନିମିଆ ଇନ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଇଜ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଡ ଇଫ୍ ଦ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେବଲ୍ ଇଜ୍, କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆମର ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ WHO ଆମର ଏନିମିଆ ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ ଏନିମିଆ ଆମର ଯଦି କେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପଚାରିନି, ନର୍ମାଲି ଆମେ କେତେ ଏନିମିଆକୁ କହିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଏଠି ପଚାରିଛି ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଆମର କେତେ ଲେବୁଲ୍ ରହିଲେ ବା ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆମର କେତେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 10 g/dL, ନା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 11 g/dL, ନା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 12 g/dL, ନା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 13 g/dL। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଆମର କେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମର ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଜଣାଇଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅପସନ୍ ବି, ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 11 g/dL, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜମେଇ ଭୁଲିବେନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ରେ କହି ରଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲା ନା, ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଆମର ହେଲା WHO ହାଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଏନିମିଆ ଇନ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଆଜ୍ ଦ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 11 g/dL, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମର 11 g/dL ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହୁଛି ବା ଆମର କମ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଯଦି ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଆମର ଏତିକି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ କି ଆମର ଆଡଲ୍ଟରେ ବି ଆମର କାହାକୁ ଆମେ ଏନିମିଆ କହିବା ବା କେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହିଲେ ଆମର ଆଡଲ୍ଟରେ ଆମେ ତାକୁ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବା ଆମର WHO, ଏନିମିଆ ଇଜ୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ଆଜ୍ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆମର ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ 12 g/dL ଇନ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ 13 g/dL ଇନ୍ ମେନ୍। ଯଦି ଆମର କ'ଣ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କଠି ଆମର କେତେ ରହିଲା ନା, 13 g/dL ଆମର କମ୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଆମର 12 g/dL ଯଦି ଆମର ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆମର କ'ଣ ଏନିମିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ, ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆମର ଯଦି ଏତିକିରୁ କମ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ କେତେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲା 11 g/dL ଯଦି ଆମର କମ୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମେ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଉ ଏଭର୍ ନର୍ମାଲ HB ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଭ୍ୟାରିଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ୱିଥ୍ ସେକ୍ସ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱିଥ୍ ଏଥିନିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍। ନ୍ୟୁ ଲୋୟର ଲିମିଟ୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ମାଲ HB ଭ୍ୟାଲୁଜ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏଥିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଏଜ୍। ତ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇଁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯେମିତିକି ରହିଲା ସେକ୍ସ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଏସବୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବି ଯେମିତି ରହିଲା ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ଏଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ଆମର କେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଆମେ ନର୍ମାଲି କେତେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଏନିମିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, 4 number question କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଇଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲି କି ଆଜି ଆମର ଗାଇନାକୋଲୋଜି ନର୍ସିଂରୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ଆମର ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି। ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ଡ ଏଗ୍ ବା ଆମର ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ଓଭମ୍ଟି କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆମର ୟୁଟ୍ରେସ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ୟୁଟ୍ରେସ୍ରେ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନ ହୋଇକରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଥାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ତାକୁ କହୁ ଆମେ ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ସାଇଟ୍ ଆମର ଏକ୍ଟୋପିକ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସିରେ ମେନ୍ଲି ସେଇଟା କେଉଁଠି ହେଇଥାଏ,
ठीक अच्छे तो भाई आपने निश्चित क्वेश्चन टी बुझीपाले एवं ऑप्शन टी देखो ट्यूबवेल हुए ना ओवेरियन रे हुए ना एब्डोमेन रे हुए ना सर्वाइकल रे हुए ठीक अच्छे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन साइड कौन आपको ये कहार अच्छे ठीक अच्छे ये सबुरे तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुए किंतु मोस्ट कॉमन साइड कौन आपको ये कहार अच्छे तो देखा कैसे पिला राइट आंसर जना आज कैसे पिला पाठ पढ़ा निश्चित कनसर्न अच्छा तो ठीक अच्छे जब आपको राइट आंसर जना था सागे सागे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाँ तो राइट आंसर कौन हम देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मन पकात आमर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन हुए आउट साइड जो रहा फर्टिलाइज ओभम टा इम्प्लांट हुए तो आर मोस्ट कॉमन साइड होती दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दैट इज ट्यूब जोड़ा कि आम रहा फालोपियन ट्यूब तो मोस्ट केस रे कौन हुए ना मोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी केस रे आमर फालोपियन ट्यूब रे ही सी कौन हुए ना इम्प्लांट हो जाए जोटा आम रहा मैच्योर आमर फर्टिलाइज ओभम ठीक अच्छे तो आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देखिए देखो कौन कहला एक्सप्लेनेशन ना आन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज व्हेन ए फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इटसेल्फ आउटसाइड द वूम्ब यूजुअली इन वन ऑफ द फालोपियन ट्यूब्स द फालोपियन ट्यूब्स आर द ट्यूब्स कनेक्टिंग द ओवरीज टू द वूम्ब इफ एन एग गेट्स स्टक इन देम इफ वोंट डेवलप इनटू ए बेबी एंड योर हेल्थ मे बी एट अ रिस्क इफ द प्रेगनेंसी कंटिन्यूस तो कौन कहला आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन ना आम जो फर्टिलाइज एग्टा आम ओम्रे न होकरी इम्प्लांट जब अलग कौटी होन आम कौन बोल कही दैट इज आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कही था जोटा कि आम यूजुअली कौटी आम इम्प्लांट होता है दैट इज फालोपियन ट्यूब मेनली मोस्ट ऑफली आम इम्प्लांट होता है ठीक अच्छे तो जो थे कि आम बहुत थाए आम मदर प्रति बहुत रिस्क थाए तो देखो आपको मुझे रखुच्छी देखो कौन कहला ना बिटवीन 93 and 97 ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर लोकेटेड इन ए फालोपियन ट्यूब ऑफ दिस इन टर्न 13% आर लोकेटेड इन इस्थमस 75% आर लोकेटेड इन आंपुला एंड 12% इन फिम्ब्री जोटा कि आम ये सब आपने जानते हैं जो रहा आंपुला इस्थमस फिम्ब्री हूँ आम फालोपियन ट्यूब्र पार्ट तो ठीक अच्छे आपको कौन कहला ना फालोपियन ट्यूब रे मोस्ट ऑफली दैट इज 93 to 97% आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है सेठी आम इम्प्लांट होता है आउ कौन कहला ना एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 66% ऑफ मैटरनल डेथ ठीक अच्छे तो मेनली आम मैटरनल डेथ केते ना 6% आम यही केस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है तो ठीक अच्छे तो आपको मुझे देखे दूसरी देखो ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी आम के थाए दैट इज 0.5% देन आम आब्डोमिनल के परसेंट हुए दैट इज 1% ठीक अच्छे तो देखो आम ओभार होबार चान्स थाए 0.5% देन आब्डोमिनल 1% तो देखो ये फालोपियन ट्यूब के दैट इज 93 to 97% तो आम कौटी हाइस्ट थाए एक्टोपिक प्रेगनेंसी होबार चान्स दैट इज ट्यूबवेल ठीक अच्छे तो ट्यूबवेल जोटा कि आम रहा फालोपियन ट्यूब्रे होबार बहुत चान्स थाए तो ठीक अच्छे भाई आप निश्चित बुझीपारे तो आम ये राइट आंसर कौन है दैट इज ऑप्शन ए दैट इज ट्यूबवेल आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमन होता है तो देखो आपको मुझे इमेज देखे दूसरी देखो यहाँ हूँ आम नॉर्मल प्रेगनेंसी जो थी कि कौन हुए ना आम मैच्योर आम होगा एग टी आम कौन हुए ना इम्प्लांट हो जाए कौटी दैट इज आम यूटेरस इम्प्लांट होता है किंतु आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन हुए ना देखो आम जो मैच्योर है एग टी कौन हुए ना आम आंपुलर हो जाए कि आम ओवेरियन हो जाए कि एब्डोमिनल हो जाए कि सर्विक्स हो जाए किंतु आमर जो रहा यूटेरस भितर इम्प्लांटेसन न होकर जो होगा कथा से न होकर अलग आड़े जो इम्प्लांट होने कौन बोली कही था दैट इज आम एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो ठीक अच्छे भाजपा आपने निश्चित एक्टोपिक प्रेगनेंसी उपर गोटे ब्रीफ नलेज पाइले तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कौन अच्छी ना 5 नंबर जेलाटिनियस सब्सटेंस इन द अम्बिलिकल कॉर्ड इज नोन एज ठीक अच्छे देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो आम जो अम्बिलिकल कॉर्ड भितर गोटे जेलाटिनियस सब्सटेंस थाए आम कौन बोली कही था वाटसन्स जेली कौ ना फॉल्स नट कौ ना ट्रू नट कौ ना भर्निक्स कासियोसा कौ ठीक अच्छे तो जेलासिनियस जो सब्सटेंस आम गोटे अम्बिलिकल कॉर्ड भितर थाए आम कौन बोली कही था आपको क्वेश्चन पचारे तो राइट आंसर कौन हम देखिए कैसे पिला राइट आंसर जना जदि आपको राइट आंसर जना था सागे सागे तेज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिखाँ तो राइट आंसर कौन हम दैट इज देखो जेलाटिनियस सब्सटेंस आम अम्बिलिकल भितर कौन थाए दैट इज ऑप्शन ए वाटसन्स जेली देखो आपको इमेज भी देखेदेवी एक्सप्लेनेशन करदेवि जमा भी भिडियो को स्किप करूँ ना ठीक अच्छे तो वाटसन जेली आम कौन ना गोटे जेलाटिनियस सब्सटेंस जी कि आम अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे आपको मुझे देखे दूसरी देखो एक्सप्लेनेशन कौन कहला ना आज इट नेम सजेस्ट वाटसन्स जेली इज ए जेलाटिनियस सब्सटेंस इट्स मेन फंक्शन इज टू इन्सुलेट एंड प्रोटेक्ट द अम्बिलिकल कॉर्ड इन द वूम्ब तो कौन कहला ना ता नेम रु आपण माने जानथे वाटसन्स जेली तो एटा गोटे हो जे हमर जेलाटिनस सब्सटेंस जे कि कौन करे ना हमको प्रोटेक्ट करे अम्बिलिकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करे इन द वूम्ब तो हमर जो यूटेरस भितरे बा हमर वूम्ब भितरे कौन करे ना हमर अम्बिलिकल कॉर्ड को एटा कौन करे मेनली प्रोटेक्ट करिथाय
तो आपको इमेज्रे देखे दूसरी देखो आमर ये जो अम्बिकाल कॉर्डटी रहा जब आम डायसेक्ट कर देखा देखो आमर एटा रहा आप जानते अम्बिकाल कॉर्डर आम गोटे भेन आमर आर्टरी दुईटा थाए देन देखो तापर आमर कौन रोज आर्टरी पर देखो ये रोचर जो रहा जेली सब्सटेंस कौन बोली कही दैट इज ह्वाटसन्स जेली मन रखिए ह्वाटसन्स जेली हूँ आम गोटे जेलाटिनस सब्सटेंस जी आम अम्बिकाल कॉर्ड भितर थाए देन आप क्वेश्चन भी पचारिपारे आम अम्बिकाल कॉर्ड में कतोटी भेन कत आर्टरी थाए मन रखिए वन भेन आने टू आर्टरीज आम प्रेजेंट थाए अम्बिकाल कॉर्ड में ठीक अच्छे तो भाव आप निश्चित बुझीपारे तो छः नंबर क्वेश्चन देखो जोटा कि आप क्वेश्चन अच्छी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो देखते भलसे कौन थी ना आइडेंटिफाई द स्ट्रिप शोन इन द फोटोग्राफ ठीक अच्छे तो ये जो स्ट्रिप्टी फोटोग्राफ्रे आपको ये स्ट्रिप्रु देखिए चिन्हबार अच्छी कि यहाँ कोई टैबलेट कोई मेडिसीन स्ट्रिप बोली ठीक अच्छे देखा कैसे पिला राइट आंसर जाना ऑप्शन देखो ये आयरन फॉलिक एसिड ना ये डॉट्स ना ये एमडीटी ना ये जिंक टैबलेट ठीक अच्छे देखा कैसे पिला राइट आंसर जाना कैसे पिला पाठ पढ़ा प्रति कनसर्न अच्छा आते पिला राइट आंसर दौरान जदि आपको राइट आंसर जना था सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आम आपको निश्चिंत कमेंटर अपेक्षार अच्छा हाँ आपंकर निश्चिंत कमेंटर रिप्लाई देव तो भलसे देखो इमेज टी देखो टैबलेट टी कौन देन आप चार्ट ऑप्शन भितर सांगे सांगे तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिंतु आ हाँ समस्ते कमेंट सेक्शन में कमेंट में पार्टिसिपेट करूँ निश्चिंत आपंकर नॉलेज ग्रो हम ठीक अच्छे तो ठीक अच्छे ये क्वेश्चन आप रहा देखा कैसे पिला राइट आंसर दौरान देन आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो सात नंबर टी आप कौन अच्छी ना लोकिया इज ठीक अच्छे तो लोकिया कहले आम कौन बुझा ये आपको कहार अच्छी ऑप्शन देखो चेंज इन वाइटल आफ्टर डिलीवरी को आम लोकिया कहवा ना वजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ आम लोकिया कहवा ना गोइंग बैक ऑफ द बॉडी टू प्री प्रेग्नेंट स्टेट आम कहवा लोकिया ना डिक्रीज इन पिगमेंटेशन आम कह लोकिया ठीक अच्छे तो लोकिया मैंने कौन ये आपको राइट आंसर देवार अच्छे तो लोकिया कौन देखो आपश्चिंत पड़ते हैं प्यूरीपेरियम पीरियड आम कौन होता है दैट इज आम लोकिया होता है तो लोकिया कौन दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज वजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ ठीक अच्छे आम बर्थ पर आम जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है आम कौन बोली दैट इज आम लोकिया बोली ठीक अच्छे आपको देखे दूसरी लोकिया एक्सप्लेनेशन कौन देखो इन द फील्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स लोकिया इज द वजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिविंग बर्थ कंटेनिंग ब्लड म्यूकस एंड यूटेराइन टिश्यू लोकिया डिस्चार्ज टाइपिकली कंटिन्यूज फॉर 4 to 8 weeks आफ्टर चाइल्ड बर्थ ए टाइम नोन आज दि पोस्टमार्टम पीरियड और प्यूरीपेरियम जोटा कि आपको कहली आफ्टर बर्थ जिते बार भाजेना किसी डिस्चार्ज होमर डिस्चार्ज में कौन आसमर ब्लड कि म्यूकस कि यूटेराइन टिश्यू आसूँ आम कौन बोली दैट इज आम लोकिया बोली लोकिया कौन दैट इज आम केतन जाए लास्ट कैर देखो आमर 8 weeks दैट इज 4 to 8 weeks जाए आम मेनली यहाँ लोकिया देखा जाए ठीक अच्छे भाव आप निश्चित बुझीपारे आखो आपको कही रखुच जो आम लोकिया तीन टी टाइप्स थाए देखो लोकिया रुब्रा लोकिया सेरोसा एंड लोकिया अल्बा तो लोकिया रुब्रा कौन ना आम बाथ टू फोर डेज जाए जो डिस्चार्ज होता है भाजन रुक आम कौन बोली कहू दैट इज लोकिया रुब्रा दैट इज ब्राइट रेड हेवी फ्लो एंड ब्लड स्मॉल एंड मीडियम क्लॉट्स ठीक अच्छे देन देखो लोकिया सेरोसा कौन दैट इज डे 4 to day 10 जाए भाजन जो डिस्चार्ज होता है तो आम लोकिया सेरोसा बोली जोटा कि आम पिंकिश ब्राउन इन कलर लेस ब्लड एंड मोर डिस्चार्ज फ्यूअर क्लॉट्स ठीक अच्छे मन रखु देन आम देखो लास्ट लोकिया अल्बा कौन दैट इज आम अफ टू 6 weeks जाए डिस्चार्ज होता है लोकिया अल्बा जोटा कि आम येलो व्हाइट इन कलर लिटिल ब्लड सम डिस्चार्ज एंड नो क्लॉट्स किसी भी आम क्लॉट्स न थाए ठीक अच्छे तो यहाँ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने निश्चिंत लिखिक रखुद ना को स्क्रीनशॉट कर निश्चिंत मन रखुद तो ठीक अच्छे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन कौन अच्छी जोटा कि आपको मुझे कही 8 नंबर में आपको गोटे नर्सिंग रिलेटेड गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन रखी जोटा कि आपको राइट आंसर देवार अच्छी तो ठीक अच्छे देखो क्वेश्चन कौन ना कैलकुलेट ईडीडी इफ एलएमपी वाज 7 May 2017 ठीक अच्छे तो आपको ईडीडी कैलकुलेशन कर एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेशन करार अच्छी जोटा कि आम एलएमपी जोटा कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आम के दैट इज आम 7 May 2017 जदि आम लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होम ईडीडी कैलकुलेशन करेंगे ठीक अच्छे आपने जानते हैं ईडीडी कैलकुलेशन मेथड आम बहुत सारा क्लास डिस्कशन करूँ ठीक अच्छे आपको ये राइट आंसर कहार अच्छे ठीक अच्छे तो ऑप्शन देखो आमर 14 February 2018 ना 14 January 2018 ना 13 February 2018 ना 13 January यहाँ मिस्टेक होता 2018 ठीक अच्छे तो आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करार अच्छी तो ठीक अच्छे आपको ये 4 ऑप्शन भितर ये राइट आंसर बाछबार अच्छी कि आम ईडीडी एक्सपेक्टेशन डेट ऑफ डिलीवरी केते जदि आम एलएमपी होती डेट ठीक अच्छे तो देखा कैसे पिला राइट आंसर जना अच्छी तो ठीक अच्छे जी आपको जना था सांगे सांगे
तले कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दियंतु। तो ठीक अछि, आ जदि आपन को जणा न थाय निश्चिंत नेक्स्ट वीडियो को वेट करंतु, मोर राइट आंसर सहित आपन को फुल्ली एक्सप्लेनेशन करे देब जेम कि आपन जम्मा भी भूलिबे नै। तो ठीक अछि, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, 9 नंबर क्वेश्चन कोन दै छि ना, तो एवरेज लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज। ठीक अछि, आपन माने जानिथिबे हमर अम्बिलिकल कॉर्ड रो लेंथ केटे एति आपन को पचारि छि। ठीक अछि, देखंतु 25 सेंटीमीटर होछ अम्बिलिकल कॉर्ड रो लेंथ, ना 10 सेंटीमीटर, ना 30 सेंटीमीटर, ना 50 सेंटीमीटर। तो अम्बिलिकल कॉर्ड रो लेंथ केते एटे आपन को क्वेश्चन पचार छि, देखिबा केते प्लांग राइट आंसर जणा छि। देखंतु ये सब गोटे इजी क्वेश्चन, किंतु आपन को निश्चिंत मु कहू छि मन नथो बा आपन भूली जाइथिबे, यदि भी आपन पढिथियो निश्चिंत भूली जाइथिबे। तो ठीक अछि, तो एबे देखंतु, एबे संग संग नोट करि रखंतु ना लेखि कि रखंतु। तो अम्बिलिकल कॉर्ड रो हमर गोटे एवरेज लेंथ केते, दैट इज राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 50 सेंटीमीटर। ठीक अछि, तो 50 सेंटीमीटर होची गोटे अम्बिलिकल कॉर्ड रो हमर एवरेज लेंथ। ठीक अछि, तो मन रखंतु, एटा निश्चिंत आपनको एक्सप्लेनेशन रे देखि दोजे। देखंतु, द लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज एप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द क्राउन रम्फ लेंथ ऑफ द फिटस थ्रू आउट प्रेगनेंसी। द अम्बिलिकल कॉर्ड इन ए फुल टर्म न्यूनेट इज यूजुअली अबाउट 50 सेंटीमीटर्स, दैट इज 20 इंचेस लॉन्ग एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। ठीक अछि, मन रखंतु, आमर गोटे फुल टर्म न्यूनेट रे आमर केते होची तार लेंथ केते, आमर केते लॉन्ग, दैट इज आमर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, आउ केते ना 2 सेंटीमीटर होची तार डायमीटर। ठीक अछि, तो भाबु जे आपन मानकर निश्चिंत मन रहइबो। देखंतु, एटा होची कोन, दैट इज आमर अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक अछि, तो भाबु जे आपनकर निश्चिंत मन रहइबो तार लेंथ केते आउ तार डायमीटर केते। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, वजाइनल पीएच इज। ठीक अछि, तो वजाइनल आपन माने जानथिबे हमर एसिडिक इन नेचर, तो वजाइनल रो पीएच केते आपन गोटी कहिबार होछि। तो ठीक अछि, देखिबे हमर राइट आंसर केते पिला दउछन्ती। तो देखंतु, ऑप्शन 3.8 टू 4.5, ना 5.0 टू 6.5, ना 4.5 टू 6.0, ना 6.5 रु 7.5। तो वजाइनल पीएच आमर केते आपन गटी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवार अछि। तो ठीक अछि, देखिबा केते प्ले राइट आंसर जणा अछि। तो राइट आंसर कोन हबो, दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज 3.8 टू 4.5। ठीक अछि, आपन माने जानिथिबे हमर वजाइनल होची कोन, दैट इज एसिडिक इन नेचर, दैट इज हमर 7 तळुक जे रहउची हमर एसिडिक, 7 ऊपर जे रहउची दैट इज बेसिक। तो एटा हमर रहउची 3.8 टू 4.5, दैट इज हमर एसिडिक इन नेचर। ठीक अछि, तो देखंतु एक्सप्लेनेशन कोन कहला, तो नेचुरली न्यूट्रल पीएच इज इक्वल टू 7 एंड फॉर द नॉर्मल वजाइनल पीएच रेंजेस बिटवीन 3.8 टू 5.0 व्हिच इज मॉडरेटली एसिडिक। ए लोअर पीएच वैल्यू दैट इज मोर एसिडिक इन द वजाइना देन द ब्लड और इंटेस्टाइनल फ्लुइड्स कैन प्रोटेक्ट वजाइना मिकोसा फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो कौन कहला, आमर नेचुरली पीएच थाए आमर जोटा कि पीएच जदि आमर रहउछि नॉर्मल केते, दैट इज आमर 7 न्यूट्रल ताको आमे कहू, जदि आमर तळुक रहउछि ताको एसिडिक कहू, देन जदि ऊपरक रहउछि ताको आमे बेस बोली कहिताउ। ठीक अछि, त आमर वजाइनल पीएच आमर केते रेंजेस करथाय बा आमर केते भीतर थाए, दैट इज 3.8 रु 5.0 भीतर आमर थाए। तो सेटा कोन, दैट इज आमर एसिडिक इन नेचर, आउ आमर एटा कोन करे, दैट इज आमर प्रोटेक्ट वजाइनल म्यूकोसा बाय पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। आमर किछि भी आमर पैथोजेनिक बैक्टीरिया बा आमर वायरस एंट्री को आमर एटा कोन करे, दैट इज प्रिवेंट करे, जोटा कि आमर एसिडिक एनवायरमेंट आमर कोन करे ना, सेपटे किछि भी आमर वायरस कि बैक्टीरिया रो आमर इन्फेक्शन को सेटा आमर कोन करे ना, हैम्पर करे, जोटा कि आमर एसिडिक नेचर थाय बोली। ठीक अछि, तो भाबु जे आपण माने निश्चित बुझी पारले। तो ठीक अछि, एटा हो जे हम फोन पे आ पेटीएम नंबर, यदि आपण को वीडियो टिके भी भल लागि छि, टिके भी इंटरेस्टिंग लागि छि, देन आपण एटे आपण कैपेबल अनुजाई आपण माने किछि पेमेंट करि परिबे। आउ हाँ, यदि आपण माने एटे किछि भी अमाउंट पेमेंट करछन्थि 100 200 300 जहा भी हला, देन आपण माने एही नंबर रे व्हाट्सएप अछि, देन आपण माने जो पेमेंट करछन्थि तार स्क्रीनशॉट हमकु एही नंबर रे सेंड करले, आमे आपण गोटे इनिक्यू ग्रुप रे ऐड कर देबो, जोथरे कि बहुत पिला माने ऑलरेडी ऐड हे सालेनी, से ग्रुप रे आमे किछि ओटीपीसी रिलेटेड टिप्स, ओटीपीसी रिलेटेड किछि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपनकु मध्ये दउचु, जोटा कि आपनकु निश्चिंत हेल्पफुल हबो। तो ठीक अछि, यदि आपण माने एटे पेमेंट करछन्थि, निश्चिंत आपण माने स्क्रीनशॉट कु एही नंबर रे शेयर करंदु। तो ठीक अछि, आज भिडियो एति, यदि आपको भिडियो भल लगे निश्चित भिडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, आप सांग सहित आपको सब ग्रुप भिडियो को शेयर कर दिखाँ, जमीक सब पिलार लाभ पाइपे। आउ हाँ, जब चैनल को सब्सक्राइब करना ये जाकर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन को अल्ले रखुद, यही इंटरेस्टिंग भिडियो सर्वप्रथमें देखापी।
ଆଉ ହଁ, ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତଳେ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ଆମେ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍, କିଛି ବି ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖାବା ଆଗାମୀ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।